अरे चाचा को बैठ दियो यार। अरे भाई साहब वो श्याम लाल घर कहाँ है? अरे यहाँ से आप उल्टे हाथ पर जाओगे ना तो सामने उनका ही घर पड़ेगा। धन्यवाद। अरे कोई है क्या? अरे कोई है क्या घर में? हाँ जी भैया। यहाँ को आओ। हाँ भैया जी, तुम्हारे नाम से शहर से एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? अच्छा भैया, भैया जरा इधर आना, अपने घर डाकिया आया है। आया छोटे। भैया अपनी शहर से कोई चिट्ठी आई है। शहर से चिट्ठी? शहर से तो राजू की चिट्ठी होगी। धन्यवाद। कोई बात नहीं, हमारा तो काम है ये। आ छोटे। आ बैठ। भैया बताओ ना क्या लिखा है राजू भैया ने। रुको जा पढ़ ले तो दे, बहुत दिन हो गए ना उसकी चिट्ठी आए हुए। भैया आपने जो पैसे भिजवाए थे वो मुझसे खो गए हैं, और आपको तो पता ही है ये मेरा लास्ट एग्जाम है। अगर मैंने कल तक फीस नहीं भरी तो मैं एग्जाम में नहीं बैठ पाऊंगा और मेरा सारा साल बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद मेरी नौकरी भी नहीं लगेगी। भैया अगर हो सके तो आप मुझे कुछ पैसे भिजवा दो। सब ठीक तो है भैया? बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है भैया? छोटे हमने जो राजू को पैसे भेजे थे ना वो ना कहीं उससे खो गए, और उसे और पैसों की जरूरत है। पैसे खो गए? भैया तुमने तो पहले ही उसे कर्जा करके पैसे दिए थे, और अब वो कह रहे हैं कि पैसे खो गए। अब कहाँ से दोगे भैया पैसे? कहीं से तो देने पड़ेंगे छोटे, वरना राजू का साल बर्बाद हो जाएगा। तुझे पता है वही हमारी आखिरी उम्मीद है, वही इस गरीबी को दूर कर सकता है। लेकिन भैया हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है? ठीक है भैया। सुन मैं ना प्रधान के पास जा रहा हूँ, तू इतने पशुओं को चारा डाल दे। ठीक है भैया। ठीक है, इसे अंदर रख दिए। अरे आप चिंता मत करो, आपकी जमीन के कागज परसों तक आपके घर पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ वो तो भरोसा है आप पे। अरे पैसों की कोई बात नहीं है, वो तो आ ही जाएंगे। नमस्ते प्रधान जी। अच्छा एक मिनट अभी बात करता हूँ। अरे श्यामलाल तू बता कैसे आया? प्रधान जी मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूँ। उम्मीद से? अरे हमारे पास तो कोई बिना उम्मीद के आता ही नहीं। काम बता, काम क्या है? प्रधान जी मैं आपसे कैसे कहूँ, मुझे ना 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 10,000 रुपए? क्या करता तू इतने पैसों का? और तुझसे वैसे भी पिछला कर्जा तो चुका नहीं है, और नया कर्जा मांगने आ गया। प्रधान जी मैंने जो आपसे पैसे लिए थे अपने भाई की पढ़ाई के लिए, वो ना उससे कल खो गए, और आपको पता है कल ना उसका एग्जाम है। अगर मैंने उसे पैसे नहीं भेजे तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मुझे 10,000 रुपए दे दो प्रधान जी। अरे तुम लोगों को शर्म ना आती? पिछला कर्जा दिया ना, और नया कर्जा मांगने आ गया। प्रधान जी बस आखिरी बार मदद कर दीजिए, ये ना मेरे भाई का आखिरी साल है, और मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूँ। जैसे उसकी नौकरी लग जाएगी ना, हम आपका अगला पिछला सारा कर्जा चुका देंगे। ना 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 श्यामलाल, ऐसे कर्जा नहीं दूंगा मैं तुझे। पहले तुझे मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी रखना पड़ेगा? प्रधान जी क्या गिरवी रखूं,
सब कुछ तो गिरवी रख चुके हैं आपके पास। अरे सब कुछ कहाँ गिरवी रख चुके हो, वो जो तेरी खार वाली जमीन है ना उसे गिरवी रख दे हमारे पास। खारों वाली जमीन? प्रधान जी अगर मैं आपको खारों वाली जमीन दे दूंगा तो हम खाएंगे क्या? बस आखिरी उम्मीद हमारी वही तो है। अरे तुझसे गिरवी को बोला है, तेरी जमीन खरीद थोड़ी रहा हूं। और वैसे भी तेरे भाई की नौकरी लगने वाली है, छुटा लेना। ठीक है प्रधान जी, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं जमीन के कागज लेके आता हूँ। ठीक है। और हाँ मैं घर पहुंच रहा हूँ, कागज लेके घर ही पहुंचना। ठीक है। छोटे यहाँ। क्या हुआ भैया, ले आए प्रधान से पैसे? छोटे अपनी जो खारों वाली जमीन है ना वो मैं प्रधान को गिरवी रखनी पड़ेगी। क्या गिरवी रखनी पड़ेगी? लेकिन भैया अगर वो जमीन हमने गिरवी रख दी तो फिर हम खाएंगे क्या? वही तो हमारा आखिरी सहारा है। छोटे तू टेंशन मत ले, हम ना जमीन प्रधान को गिरवी रख रहे हैं, उसे बेच नहीं रहे। जैसे ही राजू की नौकरी लग जाएगी तो हम प्रधान से जमीन छुटा लेंगे। ठीक है। ठीक है भैया। अब तू एक काम कर, संदूकड़ी में से ना जमीन के कागज लिया, फिर ध्यान से पैसे लेके आने। ठीक है भैया। लो भैया। तू टेंशन मत ले, सब सही हो जाएगा। चल मैं आता हूँ ना। ठीक है भैया। प्रधान जी मैं कौन है भाई? प्रधान जी मैं हूँ श्यामलाल। अच्छा श्यामलाल आ गया तू? हाँ प्रधान जी, ये लो मैं जमीन कागज ले आया। चल ठीक है। देख भाई पैसे तो मैं तुझे दे रहा हूँ मगर मेरी कुछ शर्त है। शर्त? कैसी शर्त प्रधान जी? अगर तूने 2 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। बता शर्त मंजूर है तुझे? ठीक है प्रधान जी, मुझे मंजूर है। हाँ ये हुई ना बात। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर 2 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। भैया गांव में अकाल पड़ने की वजह से हमारे खेत की सारी फसल बेकार हो गई, घर में एक दाना तक नहीं है खाने के लिए, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे भैया। हाँ छोटे मैं भी यही सोच रहा हूँ, करें तो करें क्या। भैया राजू भैया को फोन मिलाओ ना, अब तो उनकी नौकरी भी लग गई है, शायद वो कुछ पैसे दे दे हमें। तू सही कह रहा है, मैं राजू को ही फोन लगाता हूँ। क्या हुआ भैया, फोन लगा नहीं क्या? नहीं छोटे फोन तो लग रहा है मगर उठा ही नहीं रहा। उठा नहीं रहे, शायद कुछ काम कर रहे होंगे, तुम बाद में फोन कर लेना। चल छोटे तू एक काम कर, अंदर ना बाम की डिब्बी रखी है, तू बाम ले आ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।
ठीक है भैया। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं छोटे। भैया आप परेशान मत हो, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है जो हमारे साथ हो रहा है। छोटे एक बात बता, मैंने राजू के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज वो मेरा फोन तक नहीं उठाता। तुझे पता है दिन में 500 बार फोन करता हूँ मैं उसे, मेरा फोन तक नहीं उठाता है। अरे खुद भूखा रहा उसे खाना खिलाया, खुद नीचे सोया उसे बिस्तर पे सिलाया, और आज वो मेरा फोन तक नहीं उठाता। परेशान न हो तो क्या करूं मैं? भैया आप चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा छोटे, तुझे पता है हमारी सारी उम्मीद वो था और आज वही हमारा फोन नहीं उठाता। कितना कर्जा हो गया हम लोगों पर, और ऊपर से गांव में अकाल आ चुका है, खाने को 2 रोटी तक नहीं है हमारे पास। मैं तो सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा किसी दिन। अरे श्यामलाल। प्रधान जी आप? हाँ मैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने जो तुझे 2 महीने का टाइम दिया था, तेरा टाइम खत्म हुआ, ला मेरे पैसे निकाल। प्रधान जी माफ करना, मैं आपके पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, मुझे ना कुछ समय और दे दो। नहीं नहीं नहीं, तुझे पता है ना मैं अपने वादे का कितना खरा हूँ, वादे के अनुसार या तो मेरे पैसे लौटा या फिर इन जमीन के कागजात पे साइन कर। प्रधान जी कुछ समय और दे दो, अगर आप हमसे हमारी जमीन ले लोगे तो हम कहाँ रहेंगे? वो मुझे नहीं पता कहाँ रहेगा क्या खाएगा, ले साइन कर। बर्बाद हो गए छोटे, हमारे पास कुछ नहीं बचा। भगवान ने हमारी किस्मत कैसी लिखी है? भैया ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? भैया आज बहुत दिनों के बाद गांव आया हूँ, भैया से मिलूंगा, उन्हें सरप्राइज दूंगा, मेरी नौकरी लग गई है। पहुंच ही गया इतने दिनों बाद गांव। भैया भैया देखो मैं आ गया। छोटे अरे घर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहां गए हैं दोनों। भैया पड़ोसी से पूछता हूं। अरे कोई है घर पे? भाई साहब। हाँ जी कौन? अरे मैं कौन? अरे भैया आपने मुझे पहचाना नहीं, आपके पड़ोसी है ना श्यामलाल, उनका छोटा भाई राजू। अच्छा तो तुम राजू हो जो शहर में पढ़ते हो? हाँ भैया, लेकिन वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए हैं? अरे राजू तुमने आने में बहुत देर कर दी। देर कर दी मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, तुम्हारे भाई ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम्हें बहुत फ़ोन किए लेकिन तुमने एक भी फ़ोन नहीं उठाया, और उन्होंने प्रधान से पैसे लेकर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की लेकिन वो पैसे नहीं लौटा पाए तो प्रधान ने तुम्हारी ज़मीन हड़प ली। क्या इतना सब हो गया और मुझे पता तक नहीं चला? लेकिन अब वो दोनों है कहाँ? वो दोनों ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्या? नहीं तुम झूठ बोल रहे हो,
मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। ये सच है, संभालो अपने आप को।